नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। शिक्षा विभाग ने बदला फैसला, 2011 में एसटीईटी परीक्षा पास अभ्यर्थियों को राहत। मैट्रिक कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए जारी हुआ एडमिट कार्ड। बिहार के 8 जिलों में बारिश के आसार, कई जिलों में वज्रपात को लेकर अलर्ट। बिहार की 430 किलोमीटर सड़कों का होगा चौड़ीकरण। धोनी के शानदार पारी पर सर रविंद्र जडेजा का रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। शिक्षा विभाग ने बदला फैसला, 2011 में एसटीईटी पास अभ्यर्थियों को राहत। बिहार में इन दिनों छठे दौर के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक बहाली प्रक्रिया का काम हो रहा है। हालांकि शिक्षा विभाग ने पहले तो वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जो साल 2011 एसटीईटी पास थे और सत्र 2019-20 में बीएड की परीक्षा 26 सितंबर 2019 तक पास कर लिए हों, उन्हें इससे बाहर रखने का फैसला लिया था। लेकिन अब पटना हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इस फैसले को पलट दिया गया है और उनको भी अब छठे दौर की माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक बहाली में शामिल कर लिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि शिक्षा विभाग का यह आदेश पटना उच्च न्यायालय की तरफ से दिनांक 9 फरवरी 2022 को पारित आदेश के आलोक में लिया गया है। मैट्रिक कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए जारी हुआ एडमिट कार्ड। मैट्रिक कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा 2022 की शुरुआत अगले महीने की 5 तारीख से होने वाली है, जिसको लेकर छात्रों ने अभी से ही तैयारियां भी तेज कर दी है। इसी बीच बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए एडमिट कार्ड भी अब जारी कर दिया गया है, जिसके तहत ही आज से सभी छात्र जो कंपार्टमेंटल परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वो अपना एडमिट कार्ड समिति की आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद एडमिट कार्ड पर मुहर और हस्ताक्षर कर परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड दिया जाएगा। एडमिट कार्ड सेंटर परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को ही दिया जाएगा। अगर किसी विद्यालय के प्रधान द्वारा सेंटर परीक्षा में अनुत्तीर्णीय अनुपस्थित परीक्षार्थियों का एडमिट कार्ड जारी किया गया है तो उसके लिए उन पर ही कार्रवाई होगी। राजगीर में जू सफारी के बाद अब तैयार होगा 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर। बिहार में इन दिनों पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं पर बिहार सरकार काम कर रही है। इसी कड़ी में अब बिहार की नीतीश सरकार नालंदा जिले के राजगीर में पर्यटन को बढ़ावा देने का काम करने वाली है। राजगीर शहर ऐतिहासिक धरोहर की वजह से काफी मशहूर है और अब पर्यटन के एतबार से आधुनिक तरह से विकसित इसे किया जा रहा है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए ही ये ग्लास ब्रिज और यहाँ पर जू सफारी जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। वहीं अब नीतीश सरकार ने अब राजगीर में 8.7 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रोड बनाने का फैसला लिया है। राजगीर में एलिवेटेड रोड के निर्माण में कुल 1300 करोड़ रूपए का खर्च आएगा। बिहार के 8 जिलों में बारिश के आसार, कई जिलों में वज्रपात को लेकर अलर्ट। बिहार में जहां आधे से ज्यादा जिले लू और भीषण गर्मी की चपेट में हैं, वहीं दूसरी तरफ 8 ऐसे जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही मौसम विभाग की तरफ से कई जिलों में तो वज्रपात का अलर्ट भी जारी किया गया है। उत्तर बिहार में आंधी पानी की घटना के बाद राज्य भर में पूर्वा और दक्षिण पूर्वा का प्रवाह बढ़ा है, जिससे दक्षिण बिहार के जिलों में अधिकतम तापमान में गिरावट आई है, जबकि उत्तर बिहार में मौसम साफ होने पर अधिकतम तापमान में आंशिक बढ़ोतरी हुई। राज्य के 8 जिलों में मेघ गर्जन के साथ बारिश के आसार 22 अप्रैल को भी बने रहेंगे। के अररिया, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, भागलपुर, बांका, जमुई और नवादा के लिए मौसम विभाग ने गरज तड़क के साथ आंशिक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर को मिला प्रधानमंत्री पुरस्कार। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर अब तक अपने नाम कई रिकॉर्ड दर्ज कर चुके हैं, वहीं अब उनके नाम एक और उपलब्धि दर्ज हो गई है। बीते दिन नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बेहतर कार्य के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों उन्हें यह पुरस्कार मिला। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि आनंद किशोर को यह सम्मान बिहार बोर्ड में अनेक नव प्रयोगों और परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधारों के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। सम्मान लेने के बाद अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर बिहार बोर्ड की पूरी परीक्षा प्रक्रिया और व्यवस्था को पारदर्शी और छात्रहित में बनाया गया है। सीएम नीतीश ने जिलाधिकारियों को दिए कई टास्क। बीते दिन सिविल सेवा दिवस के मौके पर बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने बिहार के तमाम जिलाधिकारियों को कई नए टास्क दिए हैं, जिसके तहत ही बीते दिन आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में पिछले 16 सालों में हर क्षेत्र में काफी काम हुआ है, पर इनकी बेहतर देखभाल भी बहुत जरूरी है, तभी योजनाओं का पूरा फायदा लोगों तक निरंतर पहुंचता रहेगा। उन्होंने जिला के प्रभारी सचिवों, प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि क्षेत्रों में जाकर विकास कार्यों का औचक निरीक्षण करें, ये सुनिश्चित करें कि योजनाओं का क्रियान्वयन समय पर हो और जो कार्य हो गए हैं वो सभी मेंटेन रहे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने उक्त बातें गुरुवार को सिविल सेवा दिवस के मौके पर अधिवेशन भवन में आयोजित 2 दिवसीय समारोह के मुख्य कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद अपना संबोधन देने के दौरान किया है।
बिहार में एक और नेशनल हाईवे का रास्ता हुआ साफ। सड़क निर्माण के क्षेत्र में बिहार अपने नाम हर दिन के साथ नए कीर्तिमान को स्थापित कर रहा है। इसी कड़ी में अब बिहार के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने हाल ही में शाहबाद के इलाके को बड़ी सौगात दी है। इसके तहत ही केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने NH 319A के निर्माण की मंजूरी दे दी। इसके साथ ही अब 45 किलोमीटर लंबी मोहनिया चौसा सड़क के निर्माण को हरी झंडी दिखा दी है, जिसकी जानकारी खुद नितिन नवीन ने दी है। केंद्रीय मंत्रालय ने सड़क निर्माण के लिए जरूरी लेटर ऑफ अवार्ड जारी किया है। इस सड़क के निर्माण पर 222.72 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये सड़क NH 2 और NH 3 के मोहनिया के पास जंक्शन से निकलेगी। इसके शुरू में लगभग 3 किलोमीटर मोहनिया बाईपास का भी निर्माण होना है। बिहार के 430 किलोमीटर सड़कों का होगा चौड़ीकरण। बिहार की सड़कें आने वाले समय में और ज्यादा चौड़ी होने वाली है, क्योंकि बिहार के 9 स्टेट हाईवे और वृहद जिला सड़कों का चौड़ीकरण होने वाला है। बिहार राज्य पथ विकास निगम ने इसका खाका तैयार कर लिया है, जिसके बाद ही अब एशियन विकास बैंक ने 430 किलोमीटर लंबी इन सड़कों के चौड़ीकरण के लिए कर्ज देने पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है। अब इन सड़कों की DPR तैयार की जाएगी, ताकि आवश्यक राशि ADB से ली जा सके। इन सड़कों का नए सिरे से निर्माण और चौड़ीकरण का सीधा लाभ दर्जन भर से अधिक जिले के लोगों को होगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि निर्माण और चौड़ीकरण के लिए जिन सड़कों का चयन हुआ है, पिछले दिनों उसका ट्रैफिक सर्वे भी किया गया था। इसमें पाया गया है कि इन सड़कों का चौड़ीकरण होना नितांत आवश्यक है। संकीर्ण होने के कारण इन सड़कों पर जाम की समस्या रह रही है। बिहार में न्यायालयों के अधिकारी और कर्मियों की बहाली करेगी समिति। हाल ही में नीतीश सरकार की तरफ से राज्य के व्यवहार न्यायालयों में अराजपत्रित कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा शर्तों के लिए नई नियमावली के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी, जिसके बाद ही अब बिहार के व्यवहार न्यायालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया बदल दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसको लेकर बनाए गए बिहार व्यवहार न्यायालय अधिकारी और कर्मचारी नियमावली को जारी कर दिया है। इसके लिए ही प्रदेश के 7 क्षेत्रों में इसे बांटा गया है। हर क्षेत्र के लिए एक समिति बनने वाली है। यह समितियां पटना हाईकोर्ट के अधीन सभी व्यवहार न्यायालय में ये लागू होंगी। बिहार के सुस्त थानों की जांच होगी शुरू। बिहार में पुलिसिंग को दुरुस्त करने को लेकर थानों की जांच कराने का फैसला किया गया था। हाल ही में DGP ने सुस्त पड़ चुके थानों की जांच कराने का फैसला लिया था। इसके लिए ही पुलिस मुख्यालय के सीनियर अधिकारियों को जांच की जिम्मेदारी अब सौंप दी गई है। यानी कि अब आने वाले दिनों में जहां पर भी लंबित कांडों की संख्या ज्यादा है, वहां जांच का काम शुरू भी हो गया है। इसको लेकर हाल ही में सीनियर पुलिस अधिकारियों ने अलग अलग जिलों के 28 थानों का जायजा लेने का काम पूरा कर लिया है। इस दौरान ही अधिकारियों ने लंबित मामलों के जल्द निपटारे के लिए संबंधित पुलिसकर्मियों को टिप्स भी दिए हैं। इफ्तार के बहाने सियासी गठजोड़ की तैयारी। इफ्तार पार्टी के बहाने अब राजद अब अपनी सियासी जमीन को मजबूत कर रही है। हाल ही में राजद ने बोचहा विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज की। VIP ने भी इस चुनाव में भाजपा का वोट बांटने का काम किया है, जिसके बाद से ही उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों पार्टियों के रिश्ते मजबूत होने की कगार पर है, जिसके बाद ही अब राजद ने अति पिछड़ी जाति के नेता और VIP मुखिया मुकेश सहनी को इफ्तार पार्टी का निमंत्रण दिया है। इस पार्टी का आयोजन शुक्रवार को वरिष्ठ नेता राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने किया। इतना ही नहीं, राजद ने जमुई से सांसद और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान को भी इफ्तार पार्टी का न्योता भेजा है। अभिनेत्री नीतू चंद्रा ने CM नीतीश कुमार से की मुलाकात। बीते दिन बिहार से निकले अदाकारा नीतू चंद्रा ने बिहार के मुखिया नीतीश कुमार से मुलाकात की। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि नीतू चंद्रा इन दिनों अपने हॉलीवुड फिल्म को लेकर सुर्खियों में है। अपनी इस पहली फिल्म को लेकर ही नीतू काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रही है। सबसे खास बात यही है कि इस फिल्म में उन्होंने ताइक्वांडो स्किल्स का प्रदर्शन किया है, क्योंकि नीतू चंद्रा खुद भी एक ट्रेंड ताइक्वांडो चैंपियन रही है। ऐसे में इस फिल्म में उन्हें अपने प्रतिभा को दिखाने का पूरा मौका मिला है। इस सिलसिले में बीते दिन उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात की। इस दौरान CM नीतीश कुमार ने नीतू चंद्रा का मुख्यमंत्री आवास पर बुके, प्रतीक चिन्ह और अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित भी किया और हॉलीवुड की फिल्मों में बेहतरीन अभिनय करने के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा पहुंचे बिहार के दौरे पर। बीते दिन जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा बिहार दौरे के लिए पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने राज्यपाल फागू चौहान से भी मुलाकात की है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि LG दरअसल बिहार दौरे पर एक निजी समारोह में हिस्सा लेने के लिए पटना पहुंचे हैं, जहां पर ही उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की। इस दौरान ही राज्यपाल फागू चौहान ने उनको स्मृति चिन्ह भेंट किया और अंग वस्त्र से भी सम्मानित किया। राजभवन की तरफ से जारी विज्ञप्ति के अनुसार जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर शिष्टाचार के तहत मिलने आए थे। जम्मू कश्मीर और बिहार के बारे में दोनों के बीच में काफी देर तक चर्चा हुई। खासकर जम्मू कश्मीर की स्थिति के बारे में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बदल रही स्थिति के बारे में जानकारी साझा की। ज्ञात हो, पटना पहुंचने के साथ ही LG का गाजे बाजे के साथ स्वागत किया गया।
धोनी के शानदार पारी पर सर रविंद्र जडेजा का रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल। बीते दिन चेन्नई और मुंबई के बीच खेला गया मुकाबला देखने लायक था, जहां पर पूरी उम्मीद यही थी कि मुंबई अपनी पहली जीत दर्ज करने में कामयाब होने वाली है। लेकिन वो कहते हैं ना, जब तक धोनी मैदान में है गेम का रुख कभी भी पलट सकता है, और बीते दिन भी वही हुआ। जब धोनी की शानदार पारी के दम पर टीम ने जीत दर्ज की, वहीं धोनी के शानदार खेल पर रविंद्र जडेजा का रिएक्शन चर्चा का विषय बना हुआ है। मैच खत्म करके जब धोनी मैदान से लौट रहे थे तो कप्तान जडेजा आए और झुककर उनको सलाम किया, तो वहीं अंबाती रायडू ने हाथ जोड़ लिए। देश भर में डरा रहे हैं कोरोना के मामले, तो बिहार में अभी स्थिति है नियंत्रित। देश भर में कोरोना के मामले एक बार फिर से डराने लगे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश भर में पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 2451 मामलों की पुष्टि हुई है, यानी कुल मामलों में 2.98% बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसके बाद अब देश भर में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,30,52,425 पर पहुंच गई है। इसके साथ इस दौरान 1589 मरीज ठीक भी हुए हैं और इस दौरान कुल मिलाकर 54 लोगों की जान गई है। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में अभी कोरोना के मामले स्थिर बने हुए हैं। बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे के जारी किए गए कोरोना अपडेट में कुल 8,477 लोगों के सैंपल की जांच की गई, जिसमें 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना के ये दोनों मामले पटना के हैं। इसके बाद बिहार में अब कुल एक्टिव कोरोना केस के मामले 15 पर पहुंच गए हैं। वहीं एक कोरोना मरीज ठीक होकर घर वापस भी लौटा है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, नुनु कुमार, लक्ष्मण कुमार, सलीम भाई, शंकर मुखिया, महेश दास, विकास बिहारी, सौरभ मिश्रा, रंजीत मिश्रा, निशा कुमारी, मैथिली राणा। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार शिक्षक बहाली के काम को लेकर बिहार सरकार ने सफलतापूर्वक काम किया है या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।